नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। ये हो क्या रहा है यार? लड़की 9 महीने बाद घर आ रही है। जी और मुझे तो यकीन ही नहीं था तुम्हारी गीत को यहाँ लेकर आएगा, पर मुझे गलत साबित करके और दिल जीत लेता है तू। बल्ले बल्ले कर। शुक्र है मेरी ती अपने घर आई। आ लो जी। क्यों जीजा जी, राज छुप नहीं पाया आखिर? अच्छा जी, अब उसके चेहरे से नजर भी नहीं हटती। अभी रुको, ये लो, अब खुश नजर ना लग जाए। सच में ये तो जी मेड फॉर ईच अदर है। ले चलो। सुनो माँ, ओ मुंडियो देखो, और गड्डी च कोई कल्ला बैठा है। आ जाओ जी, वेलकम जी वेलकम। शर्माई दा थोड़ी पंजाबियां दे कारो। ओ फ्रेंड है आपके? ये लो ताई जी, ले मिठाई। सारी ना खाया, थोड़ी सी छोड़ दे। ले बेटी तू भी खा। मां खा ले, झूठा खाने से ना प्यार बढ़ता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कंट्रोल रखो जीजा जी। हाय हाय, मैं मर जावां। स्माइल है। चुप कर शैतान, परेशान मत कर। चल मिलकर अंदर चल। चलो जी हां, एक मिनट। चल 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 चल। ऐसे नहीं गए थे, हाथ पकड़ कर, हाथ पकड़ के ही अंदर आना होगा। क्यों जी, आज बड़ी शर्म आ रही है। हमसे कुछ बात करनी है। उठे दार जी को मिलने जा प्लीज। अभी तर वो इंतजार कर रहे हैं, अभी बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बड़ी लंबी लाइन है। जा ले जाना है। आ जाओ जीजा जी। सत श्री अकाल दार जी। एक मिनट, एक मिनट। पहली बार जो उसे देखा था मैं समझ गया था, मेरी उम्र में एक ही झलक में पता चल जाता है कि लड़का लड़की के बीच क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें पूछा था, तुमने झूठ बोला, और तेरा ही आइडिया होगा भाग जाने का, है ना? है कि नहीं? देखा, मुझे पता था शरारती ये है दोनों में। बहरहाल गलती की एक बार माफी होती है, तुमने अपनी गलती कर ली, माफी भी मिल गई। अब आगे कोई भी झटका नहीं आना चाहिए, समझे? पुत्र ध्यान से, खानदान की नंबर वन शैतान है ये, हम लोगों को बहुत तंग किया, तुम्हें भी नहीं बख्शेगी। तुम इमीडिएटली बात करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी कहाँ है? हेलो, लिसन, ये साला हो क्या रहा है? हाँ सब सेटल हो जाएगा, तुम जाके मम्मी से बात करो इमीडिएटली। तुम भी चलो ना। ए एक मिनट, एक मिनट, तुम दोनों भागे थे ये मतलब? एक्चुअली हाथ पकड़ के कब भागे थे? इन लोगों को गलत फहमी हुई है, एक्चुअली हुआ ऐसा था कि दीदी दीदी फटा। अमृत मेरी बात, एक सेकंड। दीदी के फ्रेंड फोटो खींचा गए। बोलो बोलो बोलो। बेटा
कुछ लोग मिलने आए अंकल। आप पापा को पुत्र तू जाके फ्रेश क्यों नहीं हो जाता? नहीं मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। इतना लंबा सफर करके आया है। नहीं विक्रम नहीं मैं एकदम जरा इधर आओ भैया को ऊपर ले जाओ गेस्ट रूम में जा पुत्र जा फ्रेश हो जा। आ जाओ आ जाओ बठिंडा पहली बार आए हो। हाँ गीतू पुत्र बता। देखो मम्मी अच्छा पुत्र पहले ये बता तू कैसी है? हाँ 9 महीने बीत गए तो ठीक तो है ना? मेरी चिंता मत करो मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य तुझे ठीक तो रखता है ना? हाँ दित्य क्या हाँ वो तेरे साथ ठीक नहीं है क्या? वो मेरा इतना ख्याल रखता है मम्मी जितना आपने भी नहीं रखा होगा। अच्छा पुत्र क्या लपटा झुपटी चल रही है माँ बेटी में? आप बताओ मुझे धोखा क्यों दिया? भागने वाले थे मेरे साथ और भगा लिया मेरी बहन को। गलत बात है आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया जीजा जी? ऐसी क्या कमी थी मुझ में? बोलो है कोई जवाब? ओ जी हुआ ऐसे था कि कैसा जी वो अंधेरे में धोखा हो गया एक्चुअली। अच्छा जी मुझे लगा था तू है सुबह पता चला ये तो तेरी बहन है। अच्छा ये बताओ ये नमूना कौन है जिसको अपने साथ लाए हो? कौन? वही आपका दोस्त। मेरा कॉन्सोलेशन प्राइज है क्या आपके बदले में? एक मिनट मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी। चलिए कुड़िया पा जाओ गल करन दो। शाबाश की बात करनी अंदर चलो। हम एक शादी की रस्म करना चाहते हैं गुरुद्वारे में। कानूनी तौर पे तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ये सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए। अरे उसकी तरफ मत देखो तुम बताओ तुम्हें कोई इतराज है तो नहीं करनी? जी एक बार आप लोग गीत से बात कर लेते तो अच्छा होता। ओ नहीं आपको तो कोई इतराज नहीं ना? जी आप एक बार गीत से बात कर लीजिए। चलो वेरी गुड हो गया। वेरी गुड गीत से तुम बेटा तुम्हें अपने सब लोगों को बुलाना है। ओ हां जी आएंगे सब लोग इनके तो शरीक होंगे ही आएंगे ना जी। वेरी गुड जी जी जल्दी ऐलान कर रहे हैं चंगा ही। ये तो हाइट से हद ही पार हो गई। सॉलिड कंफ्यूजन हो गया यार किसी के दिमाग में नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। बट यू डोंट वरी हां गीत मम्मी से बात करने गई है। अरे उसे आते ही बोल देना चाहिए था। नॉनसेंस सारे रसम रिवाज तुम्हारे साथ हो रहे और मुझे यहां जबरदस्ती नहलाया जा रहा है। इनफ कहां है गीत? मैं उससे अभी बात करूंगा। अरे एक सेकंड यार देखो इस वक्त तो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई मैं उससे अलग ले जाकर बात करूंगा। अंशुमन यहां पर सब समझते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम उसे अलग ले जाओगे तो सबको थोड़ा ऑड लगेगा। अरे उन्हें ऑड लगेगा तो लगने दो ऑड। सच तो वही है ना कि मैं और वो कपल है और वही तो उन्हें बताना है। हाँ लेकिन उसको हैंडल करने दो यार। देखो सही तरह समझाना बहुत जरूरी है नहीं तो फैमिली की बेइज्जती हो सकती है। बहुत सारे लोग आए हुए। ये साले लौंडे मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। मत देखो यार बिल्कुल मना कर दो तुम लोगों को मत देखो। तुम टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। ओके डोंट वरी। Thank you.